ये बहुत गंदे हरामी बंदे भाई, समझ रहे हो यार, 1v4 में इतना इजी नहीं हो पाएगा। चलो गाइस फाइट फोकस किया जाए, तो यहां पे फाइट होते हुए नजर आ रहे लॉर्ड स्पोर्ट के प्लेयर, बहुत सही। यहां पे ड्रॉप शॉट नॉकआउट निकाले ट्राइबर्ट एस्कार, यहां पे नॉकआउट निकाल चुके हैं, एस्कार गेमिंग एंटर कर चुके हैं, इसके साथ बात की जाए बहुत सही, यहां पे नॉकआउट निकाल चुके हैं, यहां पे बहुत सही नॉकआउट वन फाइट में इजीली ओपन में आने का डिसएडवांटेज जरूर मिलेगा। एंड इसके साथ दीपक को भी यहां पे नॉकआउट निकाला जा चुका है, फिनिश आउट यहां पे लिया जाएगा। नई टीम डूडी के प्लेयर यहां पे एलिमिनेट होते हुए नजर आ रहे हैं, बट स्टार यहां पे क्लोजिंग किया जा रहा है, एस्कार यहां पे क्लोजिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, फाइट इजीली एलिमिनेट किया जाएगा, रशर यहां पे क्लोजिंग करते हुए नजर आएंगे। एंड इसके साथ बात की जाए क्या यहाँ पे नॉकआउट निकाल पाएंगी या नहीं, एस्कार गेमिंग को यहाँ पे नॉक एंड फिनिश आउट, क्लोजिंग आने पे टीम का बैकअप नहीं मिलेगा और इजीली नॉक एंड फिनिश आउट ले जा चुके हैं, रशर को यहाँ पे जरूर नॉकआउट निकाला जा चुका है। वीजी स्पोर्ट यहाँ पे बहुत ही सही 1v1 फाइट, एसके का बहुत ही अच्छा स्प्रे बट एलिमिनेट करते हुए नजर आएगी, लॉर्ड स्पोर्ट्स के प्लेयर काफी अच्छा यहाँ पे। अगर कुछ सेकेंड से रेज आते, अगर आपके एसके स्कैमर्स जो यहाँ पे शॉर्ट्स कनेक्ट हो जाते तो आई होप नहीं निकाल पाते, बट एसके के शॉर्ट कनेक्ट नहीं हो पाए, जिसका एडवांटेज इनको जरूर मिला। एंड इसके साथ इजिली एलिमिनेट कर चुके हैं, अभी लॉर्ड कमबैक करेगी जरूर, यहाँ पे प्लेयर्स को रिवाइव किया जा रहा है, हील करेंगी एंड जरूर फाइट में कमबैक करेगी मैच में। एंड